आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, युरुक करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। सात शहर 36 घंटे और 5300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सोमवार से शुरू करेंगे मैराथन यात्रा। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं, पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया और हमने उनका समर्थन किया। राजीव गांधी जैसा होगा मोदी का हाल, केरल भाजपा को मिली धमकी भरी चिट्ठी, कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी लीक हुई थी। अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद गिरफ्तार, मोगा में गुरुद्वारे से पकड़ा गया, असम की डिब्रूगढ़ जेल से लाया जाएगा। संजय राउत का अजित पवार पर तंज, बोले अजित पवार के पास सीएम बनने का सामर्थ्य, उन्हें शुभकामनाएं। असुद्दीन ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले ओवैसी देश में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, ओवैसी जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। मुझे पता है वो इसका दोष निर्दोष लोगों पर डालेंगे, पूछा आतंकी हमले की जांच पर, बोले फारूक अब्दुल्ला। जितेंद्र आवहाट का विवादित बयान, बोले औरंगाबाद में दंगल हुआ, यह रामनवमी और हनुमान जयंती पर ऐसे निकलते हैं जैसे दंगों में भीड़। हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं, डीके शिवकुमार के आरोप को सीएम बोमई ने किया खारिज, बोले वो अपने हार से डरते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर लगाया आरोप, बोले हमारे एमएलए की चोरी ना हो इसलिए उनका ज्यादा स्टॉक रखना होगा। कर्नाटक चुनाव में अमित शाह भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त, बोले ओबीसी का अपमान करके पीड़ित ना बने राहुल गांधी। वामपंथी बुद्धिजीवियों ने विश्व भारती से किया आग्रह, नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को परेशान ना करें। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, पूछा आतंकी हमले पर, बोले मनीष तिवारी। पश्चिम बंगाल में नाबालिग की हत्या के बाद बवाल, भड़की हिंसा, दुकानों में लगाई गई आग, पुलिस से झड़प। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना संक्रमित, इसमें सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई कर रहे एक जज फिर शामिल, मामले की सुनवाई टली। सीएम योगी सोमवार से करेंगे निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत, पहले दिन सहारनपुर में करेंगे जनसभा। सीएम योगी ने सपा पर कसा तंज, बोले पहले नौकरियों में भाई भतीजावाद और जातिवाद था, अब इनका कोई भविष्य नहीं। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने ही पार्टी पर किया वार, बोले भाजपा में मेरे खिलाफ साजिश हो रही। बरेली में महापौर के 2 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 86 नामांकन, निकाय चुनाव के लिए पार्षद पद के सबसे ज्यादा प्रत्याशी।
अलीगढ़ में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, सपा के मेयर प्रत्याशी की रैली का बताया जा रहा वीडियो। अतीक अशरफ हत्याकांड के सीन रिक्रिएशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कस्टडी मानकों का पालन नहीं किया। युवक के कपड़े उतार कर पीटने का वीडियो वायरल, अपनी शादी का कार्ड बांटने आया था मेरठ, पांच लड़कों ने गाड़ी में मारी टक्कर फिर मारने लगे। पत्नी की संदिग्ध मौत के बाद लाश लेकर पति फरार, तीन थानों की पुलिस महिला की लाश ढूंढ रही, मायके वालों ने हत्या के आरोप लगाए। संत कबीर नगर में नदी में डूबने से युवक की मौत, मछली पकड़ने गया था, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कोल्ड स्टोर में माल लोडिंग के दौरान जमीन में धंसे पिलर, दो मजदूर फंसे, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो की मौत, एक की हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर, हादसे के बाद एक वाहन में लगी आग। वाराणसी में राजनीतिक दलों ने लिया ईवीएम का जायजा, ईवीएम से होगा महापौर और पार्षद का चुनाव, एनआईसी में बताई बारीकियां। अंबेडकर नगर में व्यापारी से मांगी 25 लाख की रंगदारी, अपने भाई की हत्या में मुख्य गवाह है, रकम ना देने पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। गारमेंट फैक्ट्री पर बाइक सवार दो हमलावरों ने की फायरिंग, हमले में व्यापारी और उसके बेटे समेत नौकर बाल बाल बचे, सीओ कर रहे जांच। बिलग्राम में दो दिन में तीन चोरियां, लाखों के जेवर व नकदी लेकर फरार हुए चोर, ताला तोड़कर घर में घुसे थे। प्रेमिका के लिए बेटे ने की थी बाप की हत्या, चूहे मारने की दवा खिलाकर शराब पिलाई, फिर सीने में मारा चाकू। बांगरमऊ में 20 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, चार घायल गंभीर हालत में, दो लखनऊ रेफर, ईद पर घूमने निकले थे चारों। बागपत में बाजार गई महिला हुई लापता, सब्जी लेने निकली थी घर से, पति ने जताई अनहोनी की आशंका, पुलिस से गुहार। गाजियाबाद में सिपाही ने रेडी संचालक को पीटा, उधार सिगरेट देने से मना करने पर हुआ विवाद, सिपाही सस्पेंड, मुकदमे की तैयारी। उन्नाव में मकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख की चोरी, परिवार गया था बाहर, चोरों ने खंगाला घर, अलमारी और बक्से के लॉक चटकाए। अमरोहा में दबंगों ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा, आंख में आई गंभीर चोट, बाइक का शीशा टकराने को लेकर हुआ था विवाद। भदोही में मेडिकल स्टोर संचालक को मारी गोली, गंभीर हालत में वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर, दुकान बंद कर घर जाते समय हुआ हमला। नायाब तहसीलदार की पत्नी सुन रही फरियाद, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश, तहसीलदार बोले तबीयत ठीक ना होने पर कार्यालय नहीं गए थे। उन्नाव में युवक का कमरे में पड़ा मिला शव, एक सप्ताह से ना दिखने पर चाचा को हुआ शक, बॉडी देख बुलाई पुलिस। जांच में आस्था हॉस्पिटल की लापरवाही आई सामने, तीन सदस्य टीम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट, प्रसूता की मौत का मामला।
देवरिया में ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटी की मौत, दो बच्चियां बाल बाल बचे, बाजार से लौट रही थी घर, सीमा विवाद में घंटों पड़ा रहा शव। मेरठ में सपा ने जारी की पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट, पुराने चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया। कौशाम्बी में सड़क हादसे में एक की मौत, दो घायल, दो बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, दो महीने पहले हुई थी शादी। निकाय चुनाव में इमरान मसूद को मुचलका पावंद, सिटी मजिस्ट्रेट ने मुचलका पावंद कर 24 अप्रैल को तलब किया। फतेहपुर में युवक ने किया सुसाइड, शादीशुदा महिला से था अफेयर, परिजन बोले अश्लील वीडियो बना कर रही थी बेटे को ब्लैकमेल। विकास सूत्रों की रैंकिंग में उत्तराखंड के पौड़ी को पीछे छोड़ टिहरी बना नंबर वन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से हुई दोनों धामों में पहली पूजा। उत्तराखंड में खुल गए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, चार धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ, सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में राहुल गांधी मानहानि मामले में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई, आरएसएस कार्यकर्ता ने कराया है वाद दायर। बद्री केदार के कपाट उद्घाटन पर गूंजेंगे पांडा के गीत, सीएम धामी से मिली हर हर शंभु फेम भजन गायिका। एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से अभी इंतजार नहीं सुलझ पाया तकनीकी पेच। उत्तराखंड में नहीं टूटेंगे 1980 से पहले बने धार्मिक स्थल, वन विभाग की सूची में मनसा देवी मंदिर भी शामिल। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी को भगवान मानो और उनकी पूजा करो तो कोई बुराई नहीं। हेली टिकट बुकिंग से पहले सावधान, एसटीएफ ने पकड़ा ठगी का नया तरीका, 8 फर्जी वेबसाइट बंद। यूके पीएससी ने बंदी रक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आयोग का राहत भरा तोहफा, शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षा को लेकर दी छूट। लीलम से सुरक्षित वापस लौटा अमेरिकी टैंकरों का दल, डॉक्टरों की टीम करेगी स्वास्थ्य परीक्षा। उत्तराखंड में ट्रांजिट कैंप में चोरी की घटना का पर्दाफाश, सगे भाई समेत तीन गिरफ्तार, भारी मात्रा में सामान बरामद। फर्जी जाति दस्तावेज में नौकरी दिलाने का मामला, चर्चा में इंटरनेट पर तहरीर वायरल, पुलिस ने किया इनकार। गौशाला में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भूसा रखे होने के कारण लपटों ने लिया विकराल रूप, मची अफरा तफरी। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की कार्रवाई, सेठ विमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट की 5.62 करोड़ की संपत्ति अटैच। सूडान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू, सऊदी अरब ने कई भारतीय नागरिकों को निकाला, यूएस ने अपने 70 डिप्लोमेट्स का एयरलिफ्ट किया।
ब्रिटेन में आज होगी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग। फोन पर मैसेज आएगा और सायरन बजेगा, इससे आपदा के समय लोगों की जान बचेगी। अमेरिकी प्रोफेसर को चीन से संबंध रखने पर होगी सजा। घोषणा से 4 दिन पहले कहा मुझे कैंसर है, जेल नहीं जाना चाहता। उत्तर कोरिया की मिसाइल को शूट कर सकता है जापान। सेना को अलर्ट पर रहने के आदेश। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात होगा। पाकिस्तान को भारत से जंग का डर। रक्षा मंत्री बोले युद्ध की आशंका के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए, आतंकवाद का खतरा भी बढ़ेगा। वर्ल्ड वॉर टू में डूबे जहाज का मलबा मिला। इस बार सवार थे 1000 ऑस्ट्रेलियाई कैदी। 1942 में अमेरिकी पनडुब्बी ने किया था हमला। फ्रांस में सिनेगोंग पर हमला करने वाले को उम्र कैद। कनाडाई प्रोफेसर ने 1980 में किया अटैक। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला। सितंबर में भारत आ सकते हैं यूएस राष्ट्रपति बाइडेन। लू बोले पहले अमेरिका के लिए बड़ा साल होगा 2024। इंडोनेशिया में एक ही दिन में आए 2 भूकंप के झटके। तीव्रता 5 से 6 के बीच इंडोनेशिया में बीते शुक्रवार भी आया था भूकंप। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान। अमेरिका ने एक बड़े अधिकारी ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की सराहना की। मारुति ने बेलोनो आरएस मॉडल की 7213 गाड़ियां वापस बुलाई। वैक्यूम पंप में खराबी आने के कारण रिकॉल किया। कंपनी फ्री में बदलेगी पार्ट्स। अडानी ग्रुप को मिली राहत। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रांसफर पर नहीं देना होगा जीएसटी। अक्टूबर 2023 में हुई थी डील। भारत में लॉन्च होगी वीवो X19 सीरीज। 50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ मिलेगा 6.78 फुल इंच HD प्लस OLED डिस्प्ले। सेबी का प्लान, परफॉर्मेंस पर तय होगी फंड की फीस। बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने पर ज्यादा शुल्क, लेकिन बेसिक फीस हो जाएगी कम। ₹67,600 तक महंगी हुई महिंद्रा XUV 300। BS6 फेस 2 नॉर्म्स के कारण कंपनी ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाए दाम। ICICI बैंक का मुनाफा 27% बढ़कर करोड़ों फीसदी रहा, पहले के मुकाबले 30% अधिक है। SBB की मूल कंपनी के CEO व CFO ने पद छोड़ा। डूबने के बाद सरकार के नियंत्रण में है बैंक। फॉरेक्स रिजर्व 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। $1.65 अरब बढ़कर 586.41 अरब डॉलर हुआ। नहीं थम रही छटनी की रफ्तार। अब ऑडिट फर्म कंपनी डेलॉट कंपनी ने 1200 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। पाकिस्तान सरकार ने IMF के नियमों को दरकिनार किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया $239 बिलियन का लोन। गुजरात ने लखनऊ पर जमाई जीत की हैट्रिक। लखनऊ ने आखिरी ओवर में 4 विकेट गंवाए। 34 साल के मोहित शर्मा ने पलटी बाजी। रोमांचक मुकाबले में 13 रन से जीता पंजाब। 6 गेंद पर 16 रन नहीं बना सकी मुंबई। काम न आई ग्रीन सूर्या की पारी।
पंड्या ब्रदर्स ने मैच के बाद जर्सी बदली। नवीन उल हक का ड्राइविंग कैच, नूर अहमद ने ड्रीम डेब्यू किया। आईपीएल में 143 मैचों में सुपर ओवर का इंतजार। साल 2009 में पहली बार खेला गया, अब तक कुल 14 बार हुआ, 2020 में सबसे ज्यादा। चंडीगढ़ में आईपीएल खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक, जिस होटल में ठहरे कोहली और टीम, वहां से 3 अपराधी गिरफ्तार। ज्योति ने भारत को दिलाया वर्ल्ड आर्चरी में 2 गोल्ड। कंपाउंड मिक्स्ड टीम और डिव्यूजल कंपाउंड में मिली सफलता। संन्यास को लेकर धोनी का बड़ा बयान, बोले यह मेरे करियर का अंतिम फेज है, इसका लुत्फ उठाना जरूरी। अर्जुन तेंदुलकर ने फेंका इस सीजन का 2रा सबसे महंगा ओवर, मुंबई के लिए बनाया खराब गेंदबाजी का रिकॉर्ड। नटराजन की बेटी के साथ देर तक बातचीत करते रहे धोनी, सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा वीडियो। गांगुली विराट कोहली विवाद में रवि शास्त्री की एंट्री, निर्भर करता है कि मेरा रिश्ता क्या है, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक की बेटी के साथ बनाई रील, वंशिका ने वीडियो शेयर कर कहा पापा बेहतर डांसर थे। जल्द ही रिया कपूर की फिल्म में दिखेंगे शहनाज गिल, बोली मेरे पास कई फिल्में हैं, एक समय था जब पंजाबी इंडस्ट्री ने मुझे साइडलाइन किया था। दलाई लामा के खिलाफ मीम शेयर करना कंगना को पड़ा भारी, कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। सलमान खान पलक तिवारी का 11 साल पुराना वीडियो वायरल, मां के बिग बॉस जीतने पर आ गए थे आंसू, सलमान के पलक को गले लगाया। इकोनॉमी क्लास में बच्चे से खेलती दिखी कृति सनन, फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो, सादगी के मुरीद हुए फैंस। लखनऊ गुजरात के मैच में खेसारी लाल यादव ने जमकर किया डांस, डांस का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। सलमान के लिए फीकी साबित रही ईद, किसी का भाई ने अपने पहले दिन में 15.81 करोड़ का बिजनेस किया, 10 सालों में सबसे खराब ओपनिंग रही। शुरुआत में गुंडा समझे जाते थे सुनील शेट्टी, परिवार वाले किसी और से शादी कराना चाहते थे, डेटिंग के 9 साल बाद राजी हुए पेरेंट्स। पति विराट और पेरेंट्स के साथ आउटिंग पर निकली अनुष्का, साउथ इंडियन खाने की पिक्चर शेयर कर कहा वाह। शाहरुख खान ने लुटाया फैंस पर प्यार, घर की बालकनी में आकर अपने स्टाइल में किया विश्व, बेटे अब्राम भी आए नजर। शतक में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।